पाटणा राज्य रे शासन करुथबा राजवंश को मध्यरे चौहान वंश अन्यतम। चौहान वंशर राजा माने बलांगीर को केन्द्र करी पाटणा रे राजुति करुथिले। से समय रे आटंगागड़ वर्तमान रो आटंगा जमीदार को गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहितला। एबे भी आटंगा रे जमीदार को महल रहिछि किंवदंती मध्य रहिछि। पाटणा राज्यरे शासन करथुबा राजवंशक मध्यरे चौहान वंश अन्यतम। चौहान वंशर राजा माने बलांगीर को केन्द्र करी पाटणारे राजुत करथिले। से समय रे आटगांगड़ वर्तमान रा आटगां जमीदार को गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिथिला। एबे भी आटगां जमीदार को महल रहिछि किंवदंती मध्य रहिछि। आटगां जमीदार को पूर्वज माने कंधमानंकु मेली करी विभिन्न कार्यरे सेमानंकर नेतृत्व नउथिले, तेणु सेमानंकु कंध राजा कहुथिला। पाटणा राज्य शासन रे आटगां गडर प्रथम जमीदार भाबे तप सिंह माझी, परे भाव सिंह माझी, रतन सिंह माझी, ठाकुर माझी, लोकनाथ माझी, धरम सिंह माझी मानदाता और शेष जमीदार क्षीरोद्र सिंह माझी मानदाता। बलांगीर पाटणार राजा रामचंद्र देव थिबा समय रे आटगां जमीदार थिले ठाकुर सिंह माझी। रामचंद्र देवंक मृत्यु परे बुढ़ा सम्बरे राजा रामजदा बारिया पाटणा राज्य आक्रमण करिबाकु योजना करथिले। रामचंद्र देवंक पुओ भोपाल देव बुढ़ा सम्बर राजांक ठारु रक्षा पाइबा पई आटगां जमीदार धरम सिंह माझी मानदातांकु अनुरोध करथिले। ठाकुर सिंह माझीक नाति धरम सिंह माझी कंधमानंकु मेलिकरी बुढ़ा सम्बर राजांक सहित युद्ध करी तांकु रक्षा कले। आटगां जमीदारंक साहसिकता ओ पराक्रमरे खुशी होई पाटणा धरम सिंह माझी मानदाता भूषित करथिले। से गोटे प्रजावत्सल थिले आउ आमर अंचल के बहुत सुशासन करथिले। आउ इंग्रेज मान करथु से सबले दूरे रहथिले। आउ इंग्रेज मान के तड़बा लागि बहुत चेष्टा करथिले। इंग्रेज मान कर एगेंस्ट चक्रा विषय थिले बोलिकरि ताहाकु से इना आश्रय देथिले। 1800 मसीहा रे आडगां बोले जगह गोटे थी स्कूल स्थापन होता जेनटा कि आमर अंचल बोधे पाखापाखि नै थिबा। आज के 222 वर्ष हो गलान। आउ से टाइम के हॉस्टल भी थिला पाख आखरु बहुत अंचल रु आसिकरि ने पढ़ुथिले। आ एटा गोटे एजुकेशन रो गोटे प्राण केन्द्र टे थिला। सारा भारत वर्ष रे जेतेबेले शिक्षार प्रचार प्रसार होइ नथिला सेही समय रे आटगां जमीदार धरम सिंह माझी मानदाता 1800 मसीहा रे आटगां रे विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। आटगां जमीदार को पूरा परिवार से समय रे घोड़ा गाड़ी रे रायपुर पाठ पढ़ी जाउथिले। से समय रो जमीदार महल आज भूतकोठी। दिन थिला आटगां जमीदार को महल रे बड़ बड़ लोकों को जांच होउथिला। पाटणा राजदरबार रे समस्त नथिपत्र एहि महल रु ही जाउथिला। जमीदार महल सामना रे मुंड टेकी जीवा पई लोकंकर साहस नथिला। तेबे से दिन रो जमीदार महल आज भूतकोठी रो रूप नैछि। फ्रीडम फाइटर थिले आमर इंग्रेज शासन चलीला। इंग्रेज विरोध में से बहुत जो थे राति राति जाकर से इंग्रेज मान को बहुत लोग को मारी दे घोड़े चढ़ी चढ़ राति जाकर से मारी दे समस्त एरिया क्या रख नहीं दौ से तो बहुत दुख लगसे आज्ञा। प्रथम स्वाधीनता संग्रामी आम बलांगीर जिलार बोध हुए किंतु तांकर प्रतिमूर्ति भी नाइन कि तांकर रक्षणबेक्षण नाइन तांकर घर ये सब जिनिस टिके दुख लागसी। किंतु आज ये आम चेष्टा करी नरेंद्र मोदी आसिकर बलांगीर लॉन्च कले नाटे नाटे पड़ा आम से लगे तो गर्वित अच्छु। तथापि घर जो रक्षणबेक्षण होकर प्रतिमूर्ति स्थापन हो पार्ता बोले आम आटगांवासी निश्चित भाव में उपकृत हूँ। आटगां जमीदार चकरा विश्वई समेत आउ केतक कंधमेली को आटगां स्थित भीम पहाड़ गुंफारे लुचाई रखिथिले। एबे भी आटगां जमीदार वंशधर माने बलांगीर जिलार बरकानी, आईलाचुआ, बौद्ध जिलार घंटापड़ा, सोनपुर जिलार अर्जुंडारे रहउछन्ते। शेष जमीदार केही संतान नथिबारु महाप्रभु जगन्नाथ को 45 एकर भूमिदान करथिले। आटगां जमीगुड़िक बांटिथिले शेष जमीदार। आमे इतिहास पृष्ठारु जानू 1857 मसीहा रे भारतवर्षर प्रथम स्वाधीनता संग्राम सिपाही विद्रोह होता तार 4 वर्ष पूर्वर अर्थात 1853-54 बेलकु आटगाँर जे जमीदार थिले धरम सिंह माझी मानदाता से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे लड़ाई करथिले संग्राम करथिले माँ माटी को स्वाधीनता करबार लगे। एवं जेतेबेले आपणकर गंजामर घुमसर अंचल रे कंधमेली हला चकरा विषय नेतृत्व में
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଙ୍ଗଡ଼ୋ ମାଝିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେଙ୍ଗଡ଼ୋ ମାଝି ଏବଂ ଚକରା ବିଷୟ ଉଭୟେ ଆସିକରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୀମପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ 64 ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟଗାଁର ଜମିଦାର ଧରମ ସିଂ ମାଝି ମାନଦାତା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1856 ମସିହାରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ସୁଲି ଦିଆଗଲା। ଏ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଏବଂ ଏ ଇତିହାସଟା ଅଦ୍ୟାବଧି ଇତିହାସ ବହିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ଏଇଟା ପାଟନା ଗେଜେଟିଓରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ରହିଛି। ଆଜି ବି ଆଟଗାଁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ସ୍କୁଲ 1800 ମସିହାରଟା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମହଲ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ପୁଟାପାଟ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଗତ ଭୀମ ପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବରେ ଆଟଗାଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ବଂଶଧର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାଝିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।